गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज अमेजिंग साइंस क्लास 5th चैप्टर 11 नेचुरल रिसोर्सेज। वी ऑलरेडी रीड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, लैंड, प्लांट, एनिमल, रॉक्स एंड मिनरल्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, द इंटेंस हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ चेंजेस द इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स इंटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। बहुत तीव्र या बहुत तेज गर्मी और प्रेशर से धरती के नीचे, पृथ्वी के नीचे कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। यानी कि तेज गर्मी पड़े और ज़्यादा प्रेशर हो धरती के अंदर, बहुत ज़्यादा दबाव हो जाए, तो जो इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक होती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स इंक्लूड स्लेट, मार्बल, जेनाइसिस, क्वार्टराइज एंड चाइना क्ले। ये एग्जाम्पल कुछ जो एग्जाम्पल होते हैं, इसमें रॉक्स जो होती हैं बदल जाती हैं स्लेट में, मार्बल में, जेनाइसिस में, क्वार्टराइज में और चाइना क्ले में। मिनरल्स प्रजेंट इन रॉक्स मे बी इन एनी प्रपोर्शन। इन सभी रॉक्स में मिनरल प्रजेंट होता है कुछ अनुपात में। मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस हैविंग क्रिस्टलाइन फॉर्म। मिनरल्स जो होते हैं एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल में, छोटे छोटे से टुकड़ों में होते हैं। क्वार्ट्ज एंड माइका प्रेजेंट एज मिनरल्स इन ग्रेनाइट आर यूज्ड इन रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रेस्पेक्टिवली। क्वार्ट्ज और माइका जो होती है वो प्रेजेंट होती है मिनरल्स में इन ग्रेनाइट, जिसका उपयोग रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में किया जाता है और इसके द्वारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल जो यंत्र होते हैं वो बनाए जाते हैं। रॉक्स ऑल्सो कंटेन मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। रॉक्स और भी चीज़ें कंटेन करती है मेटल्स के रूप में, जैसे कि गोल्ड, सोना, चांदी, कॉपर, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। मेटल्स जो होते हैं वो निकाले जाते हैं या पाए जाते हैं उनके ओर से, यानी कि ओर का मतलब होता है अयस्क, जो कि कच्चे माल में, कच्चे रूप में पाए जाते हैं, फिर उनमें से उसकी छटनी की जाती है, निकाले जाते हैं जो भी होगा, जैसे कि मान लो कच्चा लोहा होता है उसमें से, लोहे में से निकाला जाता है। कई सारी ऐसी चीज़ें आपको आगे आके पढ़ने को मिलेंगी। मेटल्स हेल्प अस इन मेकिंग यूटेंसिल्स, फर्नीचर, कॉइन्स, मशीनरी एंड ज्वेलरी। मेटल्स मदद करती है बर्तन बनाने में, फर्नीचर बनाने में, कॉइन बनाने में, सिक्के वगैरह, मशीनरी और ज्वेलरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है मेटल्स का। प्रीसियस स्टोन्स लाइक डायमंड, एमराल्ड, रूबीज, सफायर, टोपाज, ग्रेनाइट एक्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड इन रॉक्स। बहुत कीमती जो पत्थर पाए जाते हैं, जैसे कि हीरा, एमराल्ड, रूबी, सफायर, टोपाज, ये सब चीज़ें भी हमें रॉक्स से ही मिलती हैं। डू यू नो एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट ओर से, जो कि बॉक्साइट जो होता है, मैंने बताया था आपको, बॉक्साइट एक कच्चा फॉर्म होता है, ठीक है, रॉक फॉर्म होता है एल्युमिनियम का, जिसे बॉक्साइट कहा जाता है, और बॉक्साइट हमें ज़मीन से या रॉक से मिलता है जिससे हम एल्युमिनियम बनाते हैं। सो स्टूडेंट, टुडेज क्लास फिनिश हियर, टुमारो वी विल स्टार्ट कॉयल एंड पेट्रोलियम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।